दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का ऑक्शन कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापस आने का फैसला किया था और तभी से ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ सकते हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी तक मुंबई इंडियंस की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। रोहित शर्मा साल 2013 से ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे और पिछले 10 साल में वो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक गिने जाते थे। लेकिन दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार के बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि रोहित शर्मा इस बार आईपीएल में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उन्होंने यह फैसला ले भी लिया है। और जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने ट्रेंड करके मुंबई इंडियंस के साथ लाया गया था दोस्तों, तभी से यह साफ हो गया था कि हार्दिक को लेकर मुंबई इंडियंस का काफी बड़ा प्लान है। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का ऑक्शन से पहले ही मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए की फीस के साथ गुजरात टाइटंस से ट्रेंड कर लिया था। अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात करें तो साल 2022 में वो गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में आईपीएल में वापस आए थे। उनकी अगुवाई में गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीत लिया था और दूसरे सीजन में वो रनअप रही थी। आईपीएल में दमदार कप्तानी की वजह से ही हार्दिक पांड्या को इंटरनेशनल क्रिकेट टीम इंडिया की T20 कप्तानी भी मिल गई थी। दोस्तों अब गुजरात के साथ तीसरे सीजन से पहले ही हार्दिक पांड्या ने अपनी पुरानी टीम यानी मुंबई इंडियंस में वापस आने का फैसला कर लिया है। आईपीएल में अगर रोहित शर्मा की बात करें तो दोस्तों उन्होंने 158 मैचों की कप्तानी की है। इसमें से 87 मैच उन्होंने जीते हैं जबकि 67 मैचों में उन्हें हार मिली है। रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत दोस्तों 55.06 का रहा है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 5 खिताब अपने नाम किए थे, जिसमें से 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 के साल रहे हैं। दोस्तों साल 2013 में जब रिकी पोंटिंग की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्रगल कर रही थी तब रोहित शर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद से ही रोहित शर्मा ने लगातार मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब 10 साल के बाद इस सफर का अंत हो रहा है। 36 साल के रोहित शर्मा की ओर से शायद आईपीएल में भी ट्रांजिशन फेज स्टार्ट कर दिया गया है। तभी से ये कठिन फैसला लिया गया है दोस्तों। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।